वेलकम बैक नाजरीन। और वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इंटीरियर सिंध की क्या सूरत हाल है, उससे आपको आगाह किया और वहाँ के नुमाइंदे ने, वहाँ के समाजी कारकुनान ने भी बताया। लेकिन अब मैं बताऊँ कि कराची में इस तमाम हादसे को, इस तमाम इंसानी अलमे को किस तरह देखा जा रहा है और कराची की ताजिर तंजीमें किस तरीके से हमेशा की तरह इस बार भी आगे आई हैं। और इसमें यकीन तौर पर अगर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का नाम लिया जाए तो ये किसी तरह से भी नाम ना लिया जाए तो ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब भी जहां जहां भी आफात आई है पाकिस्तान भर में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जब जब हुआ, सीरिया के लिए भी कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन ने अपने ताजिरों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फंड जमा किया था। जलजला हो, सैलाब इससे पहले आए, इससे पहले कोविड का जो ये कोरोना का जो सिलसिला रहा, इसमें भी ये रिलीफ के लिए काम करते रहे। तो मेरे साथ मौजूद है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब रिजवान इरफान साहब। सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पता ये चला है कि इस वक्त इस इंसानी अलमिये से निमटने के लिए जिस तरह से दीगर तमाम तंजीमें, एनजीओ अपना अपना काम कर रही हैं, वहीं पर ताजिर तंजीमों में सफ़े अव्वल में कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन एक बार फिर आगे बढ़ी है। तो क्या प्लान्स हैं और मुझे थोड़ी सी रुदात बताइएगा कि डीजी रेंजर्स से जो आपके मुकालमात हुए हैं, जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने ये आपसे दरख्वास्त की तमाम ताजिर तंजीमों से कि वो आगे आएँ, तो वो क्या ज़रूरियात बयान कर रहे हैं, क्या नक्शा खींच रहे हैं हमारे इस हादसा? देखिए, सबसे पहले बताऊं मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो कराची के लिए है और तमाम लोग जो है वो इससे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जो है इसके पाबंद भी हैं। और आप समझ सकते हैं, पहले मैं तकरीबन आपको बताता हूँ उसमें भी कराची इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने हमने उसमें बड़ा भरपूर किरदार किया और काफी के करीब दो तीन ट्रक के करीब जो है वो हम लोग बलूचिस्तान गए और जो सैलाब आया था और जलजला आया था उसके जो है उसने उनकी मदद की थी। उसके बाद फिर सीरिया का आया, सीरिया में मुसलमानों को जो है नाकून 12,000 का और वो जो है तकलीफ में थे, उसके हम लोगों ने उसकी काफी कराची इलेक्ट्रॉनिक वालों ने जो है काफी उसमें डोनेशन इकट्ठा किया और वहां तक पहुंचाया। उसके बाद आप समझते हैं कोविड आया, कोविड में भी हमने काफी खानदानों की मदद की। ये सब अल्लाह का कराने वाला है, हमारी कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कोशिश की और ये अल्लाह का आता है, क्योंकि नीयत अच्छी हो जाए, नीयत अच्छी होगी तो मंजिल आसान होगी। तो इस सिलसिले में आप ये आप हमारे पाकिस्तानी भाइयों के जो है ये एक और आफत थी, ये जो बारिश से चला हुआ पूरे पाकिस्तान में सैलाब आ गया है, उस सिलसिले में कल एक हमारे डीजी रेंजर साहब ने हमें बुलाया उसकी मीटिंग पे कराची के तमाम ताजिर तंजीमें भी थी मौजूद, लीडिंग एसोसिएशन और इसके अलावा आबाद के लोग भी थे, तमाम लोग थे। उन्होंने सब चीजें बताई कि क्या कितने कितना नुकसान हुआ है। तो आपको बता चलूँ सबसे जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा सिंध में नुकसान हुआ है, उसमें तकरीबन कुछ 6 लाख के करीब जो है घर नुकसान हो गए, 80 से मिट गए। अगर आप एक अंदाजा लगाएं, कम से कम अगर 5 आदमी का घराना है तो 30 लाख अफराद जो है वो बेघर हो गए हैं वहाँ, जिनको खाने पीने की अशिया नहीं है, उनको रहने की जगह नहीं है, क्योंकि सब पानी है, उनके सब घर टूट गए हैं और वो रोड पे या किसी पहाड़ी जगह पे जा रहे हैं, उनके लिए छत नहीं है, एक उनको जो है खुराक की कमी है, इसके अलावा बीमारियों का अंदेशा है। तो इस सिलसिले में जो है उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी वो सबसे पहले जो है वो उनके लिए टेंट की जरूरत है, जो एक खेमे होते हैं वो, और उनके खुराक की जरूरत है, उनके लिए कपड़ों की जरूरत है और उनके लिए अद्वियात की जरूरत है। तो इस सिलसिले में जो है हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता भी किया राज्य हमेशा वो रिजवान साहब, मैं यहाँ एक में क्या प्लान हो गया अब एसोसिएशन जो है वो कीड़ा जो है वो क्या प्लान कर रही है कि इन तमाम जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए किस अंदाज से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, हमने फॉरन ही मीटिंग रखी, कल हमारी मीटिंग हुई थी 7 बजे, मैं वहां से जैसे ही डीजी रेंजर ऑफिस आया था हमारी मीटिंग रखी हुई थी हमने, उसमें तमाम कराची के चेयरमैन और हमारे वाइस चेयरमैन को बुलाया गया और उनको पावन किया गया कि ये हकाइक है, इस तरह से जो है ये रिक्वायरमेंट है, इसको पूरी करना है। तो उस सिलसिले में जो है हमारे कैंप भी लग रहे हैं और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो तमाम दुकानदारों के पास जाएंगे, बकायदा उनसे डोनेशन भी लेंगे और डोनेशन की बकायदा स्लिप देंगे उनको, जो कैश देंगे अमाउंट उसकी स्लिप होगी, बाकी चीजें जहाँ से देना चाहते हैं वो चीजें दें। इंशाल्लाह हमारे लोग और रेंजर्स और पाक आर्मी इनके साथ मिलकर हम उस जगह पे जाएंगे
जहाँ इसकी जरूरत है और उनको पहुंचाएंगे। सर आपके नुमाइंदों आपके रिजवान भाई एक एक आपके नुमाइंदों से बात हुई और उन्होंने इसी अंदाज की कुछ बात की कि पहले फेज के अंदर जो है हम जो बुनियादी जरूरत है जैसे पानी हो गया और जो खुश खुराक की जरूरतें हैं वो हम पूरी करेंगे और सेकंड फेज में जाके इंशाल्लाह हम उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी इस सिलसिले को मुसलसल जारी रखेंगे क्योंकि ये वक्ती तौर पर जज्बाती तौर पर तो बहुत सारा वहां पहुंच जाता है लेकिन जब ये पानी उतर जाएगा इनके बाद जो बीमारियां फैलेंगी इनके बाद जो इनको अपने पैरों पे खड़ा करना होगा इनके घरों की तामीर होगी ये बड़ा बहुत बड़ा सिलसिला होगा। शायद मेरा ख्याल है कि एसोसिएशन इस बारे में भी गौर गौर कर रही है। देखिए हम कोशिश पहले ये करेंगे कि उनको जो है खुराक मुहैया की जाए ताकि वो जिंदा रह सके उनको कोई दवाइयां देंगे ताकि वो बीमारी ना हो। रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो सरकार का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का है विभाग का काम है ये उनको रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं ये पानी अभी नहीं निकलेगा ये कम से कम जो है इसके लिए 2 महीने दरकार होंगे। 2 महीने तक जो है उनको खुराक की जरूरत है कपड़े की जरूरत है एक जगह जो है वो सही से रह सकते हैं उसकी जरूरत है। जब तक कि ये 2 महीने लगेंगे उसके बाद की रिहेबिलिटेशन का सिलसिला होगा फिर उनके मकान तैयार होंगे जो भी सिलसिला होगा इससे गवर्नमेंट को विभाग को चाहिए कि उसको उनकी मदद करे और उनको बाकायदा जो है इसमें जो है रिजवान साहब यहाँ एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है कि इससे पहले भी ऐसे हादसात और वाकयात हुए और यकीन तौर पर कराची ने कराची इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड एसोसिएशन ने और दीगर तंजीमों ने अपना पूरा पूरा किरदार अदा किया। मैं आपसे यहाँ सवाल आज एक आम आदमी की एक आम ताजिर की कमर भी टूटी हुई है महंगाई से जिस अंदाज से जो जरबे लगी हैं शायद इसकी इस्तेतात में पहले के मुकाबले में बड़ी कमी हो गई है। आप समझते हैं कि ये एक वजह हो सकती है कि शायद हम उस टारगेट को मीट ना कर पाए क्योंकि जब मेरे अपने घर में खाने के लिए ना होगा तो शायद मुश्किल होगी कि मैं किसी और के लिए एक निवाला अपनी जेब से एक निवाला तो दे सकता हूं लेकिन शायद हो सकता है कि वो पूरी रोटी के लिए मुझे अपने बच्चों का पेट भी पालना पड़े। देखिए कराची वाले जो है ना बड़े दिल के मालिक हैं और बड़ा जो है वो दर्द दिल रखते हैं पूरे पाकिस्तान का वो टैक्स के मामले में भी इस तरह है और दूसरे मामला में भी इस तरह है। मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इस तरह करेंगे लेकिन जो हम ये चाहते हैं जितनी उनकी सजात है उसके हिसाब से करें। वो अपने फैमिली को सब चीजें देखनी होंगी उसको अपनी फैमिली को भी देखना होगा और इस मुल्क को भी देखना होगा और इस जो जो तकलीफ में है परेशान है उनके लिए सोचना होगा। जब तक कि हम लोग ये नहीं करेंगे ये हमारा फर्ज भी है और ये कर जब तक कि ये नहीं उतारेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसका जो है जिसका जो सवाब है ना कोई दुनिया में कोई नहीं रहता जिसको उसको आखिरत में मिलेगा। बिल्कुल आप अल्लाह ने आपको भेजा है तो आप इंसानियत की मदद किया अगर आपसे सवाल किए गए तो आप तुमने हमारे बंदों के लिए कुछ किया तो वो हो सकता है कि इसी छोटी नेकी की वजह से उसकी जो है मकसद हो जाए। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अपने हाथ से जो है कोशिश करें कि सही से जो है लोगों को लग जाए लोगों को जो है लोगों की दुआएं लेने की जरूरत है। अभी लोग बड़ी तकलीफ में है पूरे पाकिस्तान के लोग जो है बड़ी तकलीफ में है। हमने कराची ने जो हमेशा जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा किया और हमेशा अपना पेट काट के दिया है और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इन लोगों की जो है ज्यादा से ज्यादा मदद करें और इनको पहुंचे और इनको जो है ये इनको जो जरूरत है वो अल्लाह जो है वो हमारे हफे तो दुआ यही है कि इंशाल्लाह जो है ये अल्लाह बेहतर करेगा और हमारी नीयत अच्छी है और कराची वालों की नीयत इंशाल्लाह इसमें अल्लाह बरकत देगा। बिल्कुल बरकत देगा और यकीन तौर पर आपकी दुआ हम सबके लिए दुआ है कि सिर्फ आखिरी सवाल मैं छोटा सा जरूर करूंगा और यकीन तौर पर ये आगे आने वाले दिनों के लिए कहा यह जा रहा है कि जिस अंदाज से फसलों की तबाही हुई है पूरे पाकिस्तान में अगर मैं सिंध की बात करूं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मेरी आपसे बात करने से पहले हमारे सिंध के मेहमान से जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं सिंध में उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि सर इतना नुकसान है यहाँ पे फसलों का और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब फसलें इतने नुकसान का शिकार हुई हैं तो क्या आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में खुराक की किल्लत जो है वो पूरे पाकिस्तान में होने वाली है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं रिजवान साहब? देखिए बिल्कुल आप समझ सकते हैं 60 से 70% जो है जो फसलें हैं वो बिल्कुल जो है पानी में है वो खत्म हो गई है खराब हो गई है। अब इसी तरह दूसरे मुल्कों अब दूसरे जो है शहरों का भी यही हाल है पूरे पाकिस्तान की यही हाल है। अब उसके खुराक की भी जो है अब जो है उसको जरूरत पूरी करनी होगी इसमें अजनास है ये सब शामिल है ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर ये चीजें यहाँ नहीं हो रही हैं तो आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी बिल्कुल तो हुकूमत को एक दूरस्थ जो है फैसले करने होंगे ताकि खुदा ना खास्ता ये खुराक का और ये जो
सब्जियां आए और चीजें जो है ये नापैद ना हो जाए। बिल्कुल ये तो हुकूमत का काम है, इसको जो है सोचे और इस पर जो है फौरन जो है कुछ कुछ कोई रिस्पॉन्स करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमारे साथ रहने के लिए। और बड़ी अहम तरीन बात मोहतरम रिजवान इरफान साहब ने फरमाए कि हुकूमत को शायद सैलाब का तो पता ना चला कि इसकी इसकी क्या हैयत और अहमियत होगी और किस अंदाज से ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब जो सैलाब के बाद आने वाली सूरत हाल है, खुराक का एक 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 जंग हो जाना, कि आप समझेंगे कि इससे हम कैसे निपटें, इन तमाम बातों को हम कैसे लेके चलेंगे। तो अभी से तैयारी करें कि अगले 2-4-6 महीनों में खुराक की ऐसी किल्लत उन शहरों में जहां आज अवेलेबल है ना होने पाए, ताकि वो इलाके अब खुराक की तंगी का शिकार ना हो जाएं। तो हुकूमतों को अभी से अपना किरदार अदा करना होगा और प्लानिंग करनी होगी, अब आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो है जिन इलाकों में ये उफ्ताद आई है वहां पे तो खिदमत करनी है, जिन इलाकों में अब तक कुछ सेफ हैं उनको आगे कैसे बचाना है इस खुराक की किल्लत से, उसके लिए अपना रोल प्ले करना होगा उन तमाम अरबाब इख्तियार को। नाज़रीन इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम भी अपने का वक्त भी खत्म हो गया है। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने दुखी भाइयों की खिदमत कर सकें। अल्लाह ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम इस एतबार से मैं कहूँगा कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है पाकिस्तान में, और हो ये रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। हर साल की तरह हर 2-4 सालों के बाद ऐसा इंसानी अलमिया जो है वो पाकिस्तान में रुनुमा होता है। कुदरती आफात अपनी जगह, कुदरत के अपने कवानीन अपनी जगह, हमने इन कवानीन से निमटने के लिए, इन आफात से निमटने के लिए हमने अपने तौर पे क्या तैयारी की है, शायद इससे हम तमाम ही लोग जो है वो बिल्कुल लापरवाह और बेपरवाह हो गए। ख़ास तौर पे वो अरबाब इख्तियार जो ये कर सकते हैं, जिनका काम है, जिनको मुंतखब ही इसीलिए किया जाता है, वो इदारे जिनका काम ही ये है कि वो इन तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें और जिनके बाइस ये आफात कम से कम नुकसान पहुंचाएं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि हम तमाम ही लोग जो है वो सियासी पेशन गोइयों में, सियासी चमक दमक में इतने उलझे हुए महसूस होने लगे हैं कि अब शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इन तमाम चीज़ों का तेज़ी के साथ आगे बढ़ना। सिंध की अगर मैं सूरत हाल की बात करूं, यकीन तौर पर यह आदाद फिगार, ये आदाद शुमार जो है मैं अपनी जानिब से पेश नहीं कर रहा, ये मीडिया पे भी मैं और आप देख रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो अरबाब इख्तियार हैं, ख़ास तौर पे पाक अफवाज और पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं, उन्होंने अपने तौर पे एक काम शुरू किया हुआ है। यकीनी तौर पर कुदरती आफात में हमारे हम सब की पाकिस्तानियों की निगाहें एक ही इदारे की जानिब मरकूज़ होती हैं, और वो यकीनी तौर पर हमारा हमारा पाक अफवाज का इदारा है और पाकिस्तान रेंजर्स भी उसी का ही इदारा है। तो उनके आदाद शुमार में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कमोपेश कोई 6-6.5 लाख मकाना जो हैं वो मुनहदिम हुए हैं, सफ़ा हस्ती से कई गांव मिट गए हैं। ये इंसानी अलमिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लाखों घरों का मिसमार हो जाना या सैलाब में बह जाना से मुराद आप समझ रहे हैं कि अगर एक घर में 4-5 लोगों की एवरेज पॉपुलेशन देखी जाए तो आप यूँ समझ लीजिए कि 30-40 लाख लोग जो है वो बेघर होके, बेआसरा होके खुले आसमान तले मौजूद हैं। अपीलें तमाम ही अहबाब की जानिब से आ रही हैं, क्या देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, किस तरीके से इस तमाम काम को आगे लेके बढ़ना चाहिए, ये अपनी जगह हैं और नो डाउट इस पर कोई शक व शुबा भी नहीं होना चाहिए। ये एक अलग बहस है कि किन्हें देना चाहिए। मैं और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऐसे मौके पर कई ऐसे बरसाती, बरसात के साथ साथ बहुत सारे बरसाती भी शामिल होते हैं, तो प्लीज़ अपना वो तमाम फ़ंड जो है वो मुस्तरद तरीन इदारों के सुपुर्द कीजिएगा जो वाकई क्रेडिबिलिटी रखते हों,
यकीन इनका अपना नाम हो, जो करते हुए दिखाई देते रहे हों इससे पहले भी और आइंदा भी करने का हौसला और पूरी टीम रखते हो। असल चीज़ ये है कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ नए नए चेहरे ऐसे सामने आते हैं और यकीन तौर पर यहीं से खराबी का आगाज़ होता है कि मैं और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर देते हैं कि यार हमें इस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी अपनी इस्तेआत के मुताबिक कराची, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो कराची, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही सही, लेकिन मैं आज क्योंकि कराची में बैठा हूँ तो मैं कराची की बात करूँगा कि कराची हमेशा से ऐसे तमाम डिज़ास्टर्स के अंदर, ऐसी तमाम मुश्किलात और आफात के अंदर जो है वो सफ़े अव्वल में खड़ा नज़र आया है और इस बार भी नज़र आ रहा है कि कराची से बेशुमार तंजीमें जो हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने अपने अपनी अपनी सूरत में अपनी अपनी इस्तेआत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। शायद एक इशू इसमें हमेशा से रहता है कि जब हम इंडिविजुअली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए या चंद ग्रुप ऑफ पीपल, तो एक इशू रहता है कि मल्टीप्लेक्शन हो जाती है, यानी कि एक ही जगह पर लोग जाना शुरू हो जाते हैं, एक ही किस्म की चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाती हैं और होता ये कि तवानाई और हमारा पैसा सम टाइम ज़ाया हो जाता है, यानी कि हमें पता नहीं होता कि उस जगह पर हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, किस चीज़ की ज़रूरत कम है। इस बार जो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है और जो डीजी रेंजर्स, इसमें बहुत ही पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी रेंजर्स साहब जो हैं वो बड़े ही इसमें एक्टिव हैं और इस इदारे की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज़ को मुकम्मल तौर पर अपने रबते में भी रखा है और उनके ऑफिस में जो इनिशियल मीटिंग्स हुई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे शेल्टर्स मींस जिसे हम कहें कि खैमों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुले आसमान तले रहना आसान काम नहीं है और बड़ा ही मुश्किल हो गया वहाँ लोगों का रहना। जहाँ जहाँ कुछ ऊंची जगह हैं वहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए हैं, अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो इस काम को अपने तौर पर आगे बढ़ाएँ। कुछ शेल्टर्स, कुछ खैमे, बेइंतहा ज़रूरत है खैमों की वहाँ पे, क्योंकि खुले आसमान तले ख़वातीन बच्चे रहना कोई आसान काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस बार जो अब तक की सूरत हाल पता चली है उसमें खैमे, और दूसरा एक अहम चीज़ जो है, बहुत सारे लोग जो है जैसे और दीगर एनजीओज ने भी इस बात का जिक्र किया कि बना बनाया खाना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ना लकड़ी है जलाने के लिए, बल्कि सबसे पहले तो कोई खुश्क जगह ऐसी नहीं है प्रॉपर के जहाँ से खाना बनाने के लिए, फिर वहाँ बर्तन बहुत से लोगों के घर बार सारे जो है वो डूब गए हैं, बह गए हैं, तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ों का होना को बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये हो रहा हुआ ये है कि अब लोगों ने वहीं पे खाने की तैयारी का अमल भी शुरू कर दिया, लेकिन शायद ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स और इंफरादी तौर पर या छोटी एनजीओज जो हैं वो ये काम ना कर सकें, तो उनके लिए तंबी ये दी गई है कि उनके लिए हिदायत ये हैं कि अगर वो जाना भी चाहते हैं तो किसी ऐसे इदारे के साथ निकलें, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो ऐसी कोशिश करें कि खुश्क अशिया जिससे पेट भर जाता हो, पकी पकाई रोटियां बड़ी आसानी से दस्तयाब होती हैं, खजूर इसके लिए बड़ा अहम तरीन पार्ट होता है जो कम क्वान्टिटी में होता है, ख़राब नहीं होता, लेकिन इससे ताकत और तवानाई जो है वो बहाल रहती है काफ़ी अरसे तक, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। कहा गया कि खुश्क चने जैसे हम खाते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे मौसम के लिए और ऐसे हालात में पेट भरने के लिए, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। खुश्क दूध की शायद, क्योंकि वहाँ पानी, साफ पानी होना ज़रूरी नहीं मुश्किल होगा, लेकिन अगर पैक्ड दूध जिसे हम कहते हैं टेट्रा पैक के अंदर जो मिल्क होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ जूसेस भी इनके लिए बड़े कारामद हो सकते हैं, और अगर दीगर इन तमाम चीज़ों को मैं और मज़ीद एलोबरेट करने की कोशिश करूं, तो खाने पीने की वो तमाम अशिया जो बग़ैर पकाए खाई जा सकती हों, ऐसी चीज़ों को हम ले जा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और जो है पाकिस्तान आर्मी जो है इस पे अपने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें और भी रिपोर्ट्स अच्छी मिलती रहेंगी कि किस तरह से हम आवाम तक पहुंचने की कोशिश करें। इंडिविजुअल लेवल पर पर्सनली 2-4-6 लोग अगर चाहते हैं तो वो इन चीज़ों पर फोकस करें। बिस्किट्स कहा गया है कि बिस्किट्स ऐसी चीज़ है कि वो भी आसानी से पहुँचाई भी जा सकती है और खाई भी जा सकती है और पेट भरने के लिए इनिशियली तौर पर। ये याद रखिएगा नाजरीन के ये कोई छोटा अलमिया नहीं है, ना ही कुछ वक्ती, ना ही ये वक्ती तौर पर है, तो अपने जज्बात को काबू में रखिएगा।
एक ही वक्त में इंतजार कीजिएगा उस वक्त का कि जब ये पानी थोड़ा सा नीचे उतरेगा। इस वक्त तो पानी ठहरा हुआ है और ठहरे हुए पानी के अंदर कई चीजें बड़ी मुश्किल हैं। जब ये पानी नीचे उतरेगा तो बहुत सारे और मसाइल पैदा होंगे, जैसे अभी से उसने ऐसी बीमारियों ने जड़ पकड़ना शुरू कर ली है। हैजे की बीमारी बहुत ज़्यादा है, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। नो डाउट के आलमी इदारा सेहत और रेड क्रॉस की जो टीमें हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं और डॉक्टर्स भी पहुंचना शुरू हुए हैं। हुकूमत भी शायद देखने तौर पर कुछ ना कुछ कर रही होगी, लेकिन आगे आने वाले दिन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अब तक जितनी भी आफत आई हैं इस आफत का स्केल उन सबसे ज़्यादा है। अब तक जलजले सैलाब जो पाकिस्तान में आए हैं उन सबसे ज़्यादा स्केल है। न सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, ये तमाम ही इलाकों में इंसानियत जो है वो बिलक रही है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। शायद अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम होगा। मैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी वीडियोस देख रहे हैं और इनकी कसम पुरसी के हालात देख रहे हैं, कुछ गिले शिकवे भी देखे जा रहे हैं। आलमी इदारों की अपील, आलमी इदारे जो हैं उनसे अपील की जा रही है हुकूमती सतह पर, और मी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में हमारे दोस्त ममालिक के साथ किसी न किसी अंदाज में पार्टनरशिप करता रहा है, ख्वाह वो दिफाई पार्टनरशिप हों या हमारी इक्तसादी पार्टनरशिप्स हों, तो वी होप सो कि इस मुश्किल मरहले में वो तमाम दोस्त ममालिक भी हमारे साथ होने चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है इस पर भी बात करेंगे कि आवाम की सूरत हाल मैंने आपको बताई कि बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल है, लेकिन ये बड़ी बड़ी एक अहम तरीन बात जो अब तक, क्योंकि अब शायद बहुत ज़्यादा मीडिया ने इसको फोकस करना शुरू किया है, लेकिन सोशल मीडिया बहुत अरसे से इस पर बात कर रहा था। यानी कि जब से ये अलमिया शुरू हुआ है, जब से ये आफत तो ये सैलाब का ने अपना रास्ता पकड़ा है, तब से ये पहली खबर यकीन तौर पर बलूचिस्तान से आई थी। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत सीरियस नज़र नहीं आया, उसने इसकी हैयत जो है वो सही मानों में आवाम तक नहीं पहुँचाई, जिसकी वजह से ये अलमिया बहुत बढ़ गया और शायद बहुत ज़्यादा। आप हैरान होंगे कि ये इस अंदाज से आगे बढ़ा है कि गांव के गांव उजड़े हैं, ज़मीनें और फसलें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ज़मीनें और फसलें इस अंदाज से तितर बितर हुई हैं, इस अंदाज से तबाह और बर्बाद हुई हैं कि वो जो परेशानी में लोग हैं उसके उनका जो माली नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, उनकी ज़मीनें बर्बाद हुई वो तो हुई हैं। आगे आने वाले दिनों में खुराक का शदीद तरीन बहरान एक्सपेक्ट किया जा रहा है पूरे मुल्क के लिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान की जो है वो अपनी ज़राअत पर होती है, और ये एक ऐसा अलमिये का आगाज़, थोड़ा सा पानी नीचे उतरेगा तो कुछ नज़र आएगा, ये इसके लिए हमें फौरी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और हुकूमत इस पर किस अंदाज से इसको टैकल कर रही है ये इनका काम होगा, क्योंकि ये फिर वही होगा कि जब जो है वो ज़रूरत ज़्यादा हो और आपके पास वसाइल कम होंगे, आपके पास उसके मुताबिक मुहैया नहीं कर सकेंगे हम खुराक, तो महंगाई बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। लोग अभी से हमारे इक्तसादी माहिरीन और मुआशी माहिरीन जो हैं वो इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बड़ी ही मुश्किल तरीन सूरत हो सकती है हम सब के लिए आगे आने वाले दिनों में। अल्लाह पाक हम सबको अपने अफजो अमान में रखें। खुराक की किल्लत मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर तो है ही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं और आप भी देख रहे हैं कि ये खुराक की किल्लत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। नाज़रीन ये होता क्यों है? बारिशें दुनिया भर में होती हैं, नो डाउट सैलाब भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चश्मपोशी की गई, एक अरसे से चश्मपोशी की गई कि जो है हमने डैम्स की जानिब जो है वो कोई ख़ास काम नहीं किया। डैम्स न सिर्फ ये कि पानी के बहाव को के दरमियान एक रुकावट बन जाते हैं, बल्कि एक पानी ज़खीरा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया हुआ करते हैं। स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि भारत जो है वो हमारे आँखों में धूल झोंक कर डैम पर डैम बनाता चला गया, और जब उसको ज़रूरत होती है वो डैम के दरवाजे खोलता है, और ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत सारा पानी जो है वो भारत के उस डैम की वजह से भी पाकिस्तान की तरफ मूव हुआ है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तैयार नहीं है, हमें आपस की चुपकली से और हमें आपस की हुकूमत से, हमारे आपस की कुर्सियों से ही मेरा ख्याल है कि वक्त नहीं मिलता
कि हम किसी और जानिब देखने की कोशिश करें, और शायद यही अलमिया है हम सबका कि हमने आज तक इन तमाम चीज़ों से चश्मपोशी की है। क्यों हुकूमतें तैयार नहीं हुई अब तक, क्योंकि ये पहली मरतबा पाकिस्तान में नहीं आया, इससे पहले भी आता रहा है। बारिशों की एक्सपेक्टेशंस अब तो दुनिया को सबको पता होता है कि कितने मिलीमीटर बारिश होने जा रही है, किस दिन होने जा रही है, किस जगह होने जा रही है। क्यों हुकूमतें तैयार नहीं होती इसके लिए? और मैं और आप अगर सिंध की बात करेंगे तो सिंध की हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी इस एतबार से है कि सिंध इससे पहले भी इसी तरीके से सैलाब में उजड़ चुका है, और बिल्कुल बयन इसी तरीके का उन्हीं इलाकों में, कमोपेश उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो ये अलमिया जन्म ले रहा है। क्यों हम आंख बंद किए शुतुरमुर्ग की तरह हर बात अच्छी है, हर चीज़ ठीक है का राग अलापते रहे, और एक बार फिर सिंध और सिंध की आवाम बह गई इस सैलाब के अंदर। यहाँ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू मैं करूँगा कि मैं और आप जब भी अलमिये की बात करते हैं तो कराची, आज अगर कराची की मैं बात करूं तो कराची को अल्लाह ताला ने किस तरह से महफूज रखा है, ये हम कराची के लोग रहने वाले और जो भी बड़े शहर हैं हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं और आप जो हैं वो इस डिज़ास्टर से महफूज हैं, और हमें हर सूरत में इन तमाम कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि शायद कराची को अल्लाह पाक ने इसलिए महफूज रखा है कि हमें जो है वो दूसरों की खिदमत करनी है, हमें हमें आस पास पड़ोस में रहने वाले या पड़ोस के इलाकों की, सिंध की अगर मैं ख़ास बात करूं और बल्कि पूरे पाकिस्तान को पालने वाला कराची है, तो शायद ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा हम सब के लिए कि कराची को अल्लाह ताला ने अगर महफूज रखा है तो कराची की ये जिम्मेदारी है कि कराची बोझ उठाए एक बार फिर उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम उन तमाम ज़रूरियात का जो हमारे आस पास और हमारे सिंध, बलूचिस्तान और जुनूबी पंजाब के भाइयों को तकालीफ हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रबते में हैं, अपने अपना काम कर रही हैं। मैं इंटीरियर सिंध की सूरत हाल भी लेने की कोशिश करूंगा आज के इस प्रोग्राम में, और कराची में क्या हो रहा है, कराची की एनजीओज, ताजिर तंजीमें इस पर क्या काम कर रही हैं, इसके लिए भी मेहमानाने ग्रामी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं बात कराऊंगा इंटीरियर सिंध के हमारे ऐसे दोस्तों से, ऐसे सामाजिक कारकुनान से जो आंखों देखा हाल हमें बताएं कि इस वक्त इंटीरियर की क्या सूरत हाल है। सक्कर से हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिंध, जनाब बशीर अहमद चना साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बशीर साहब, यकीन तौर पर ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, और खुसूसन अगर मैं, पूरे पाकिस्तान ही इस बात पर गमजदा है, अफसुरदा है, बलूचिस्तान पूरा डूब चुका, जुनूबी पंजाब की बहुत बुरी सूरत हाल है। मैं इस वक्त सिंध की बात करूंगा आपसे, और सिंध के बारे में भी खबरें इंतहाई बुरी आ रही हैं कि शायद ये तारीखी अलमिया है, कि शायद इतना अलमिया, और जो मैंने भी आपने सुना होगा कि मैंने फिगर्स जो बताए इससे पहले के, कमोबेश 6-6.5 लाख मकाना जो हमें कराची में डीजी रेंजर्स ने अभी रिपोर्टिंग की है कि 6-6.5 लाख के करीब घर जो है वो मुनहदिम हो गए, और अगर देखा जाए तो कोई 30-40 लाख अफराद जो है वो बे आसरा और खुले आसमान तले बैठे हैं। सर बताइए अपने अल्फाज में कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सबसे पहले आप सक्कर में मौजूद हैं, सक्कर का बताइए और फिर आसपास की सूरत हाल का बताइए। फिगर से हटकर मैं बात करूंगा कि शहरी इलाकों के अंदर सक्कर है या इससे मुलेका जो खैरपुर है, वहाँ जो शहरी आबादी है उससे हटकर उसकी भी पोजीशन बहुत बुरी है इस वक्त। शहरों के अंदर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, शिकारपुर शहर मुकम्मल जो है मफलूज हो चुका है, सक्कर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तकरीबन मफलूज है। इससे हटकर अगर हम बाहर जाते हैं, देही इलाकों में जाते हैं, तो वहां पर तकरीबन ये समझ लें कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। अगर
कुछ कहा जाए कि कुछ बाकी है तो मेरे ख्याल में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है तार देने का, और कुछ भी नहीं है। जानवर, मवेशी, लोगों की फसलें, हर चीज जो है कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही सिवाय पानी के। ऊपर आसमान है और नीचे पानी है। इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ी जो जरूरत जो वो जन्म ले रही है वो लोगों के लिए जो है वो तिब्बी मसाइल हैं। गैस्ट्रो बड़ी पूरी तरीके से फैल रहा है और मलेरिया और टाइफाइड ये बहुत बुरे तरीके से बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। साथ ही जो है लोगों में खाने पीने के लिए जो है वो उनको मिल तो रहा है, जितनी मतलब जो है कोशिशें कर रही है एनजीओ कर रही है गवर्नमेंट की सतह पर हो रहा है, लेकिन वो हाइजेनिक नहीं है। स्पेशली पानी जो है वो हाइजेनिक नहीं है, पानी की बहुत सख्त जरूरत है कि साफ पीने का पानी मुहैया किया जाए कम अज कम। तो अब सूरत हाल जो है ये फिगर्स जो आप बता रहे हैं ये मेरे ख्याल में ठीक है लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा बशीर साहब, बशीर साहब मैं एक मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं क्योंकि आप सामाजिक कारकुन की हैसियत से यकीन तौर पर इंटीरियर सिंध में काम करते हैं, आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिंध के, यकीन तौर पर आपका पूरे सिंध में आना जाना रहता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसे डिजास्टर्स होते क्यों हैं? कुदरती आफात तो अपनी जगह है, जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा बारिश हो जाना भी यकीन तौर पर पॉसिबल है, क्या हम इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं कर पाते सर? ये बदकिस्मती से हम लोगों की जो है ना वो शायद हम लोगों के अंदर ये चीज जो है वो जन्म ले चुकी है या हम लोगों के अंदर ये ख्याल पुख्ता हो चुका है कि जब कोई आफत आएगी तो देख लेंगे, ठीक है ना। तो इससे यकीनी तौर पर ये आसमानी आफत है लेकिन नुकसान बहुत, इसको रोका जा सकता था, कम हो सकते थे अगर हम इसके लिए जहनी तौर पर पहले से तैयार होते, और अगर जहनी तौर पर तैयार ना होते तो कम से कम इतने इंतजाम हमारे पास मौजूद होते कि जैसे जैसे जहां जहां पानी आता जाता या जहां जहां जो है ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी वहां पर कम से कम फर्स्ट एड के तौर पर, फर्स्ट स्टेप के तौर पर कुछ न कुछ चीजें पहले से मौजूद होती। अब जहां पर 4 फीट 5 फीट पानी खड़ा हो गया उसके बाद वहां तक रसाई बहुत नामुमकिन है। जाहिर है आप सक्कर से लेकर जो है वो किसी देही इलाके में जाएंगे, सालेपट में जाएंगे या जो है वो किसी और इलाके में जाएंगे, शिकारपुर से जो है आप जो है वो अंदर की तरफ रुस्तम चक की तरफ जाएंगे तो उसके लिए जाहिर जब आपके रास्ते बंद हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे तो वो फिर आप फर्स्ट एड और ये सारी चीजें वहां पहुंचा नहीं सकते। इसके लिए जरूरत यह है कि वो मशीनरी, वो पानी निकालने का मैकेनिज्म, ये सारी चीजें वहां पर कुछ ना कुछ पहले से पहुंचा दी जाए ताकि अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो उसको फौरी तौर पर रिलीफ का काम शुरू कर दिया जाए। बशीर साहब एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि सुना ये जा रहा है और रिपोर्ट्स भी यही है कि पानी खड़ा है, पानी अब आगे मूव नहीं कर रहा ताकि वो इलाका खाली हो, आप क्या समझते हैं कि इस पानी को उतरने में अगर बारिश मजीद नहीं होती और ये पानी कब तक ऐसी सूरत हाल में आएगा कि मूवमेंट शुरू हो जाए वहां पे किसी तरह? सूरत हाल में तो महीनों लगेंगे, इस जो सूरत हाल इस वक्त है वो लगता है कि महीनों लगेंगे, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये है कि जाहिर है ये पानी इस वक्त निकलने का कहीं पर रास्ता नहीं है। मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ, पानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि इस पानी को निकाला कहाँ जाए, क्या दरिया में फेंका जाए तो दरिया पहले ही ओवर टॉप हो रहा है, बिल्कुल नहरें जो है वो बिल्कुल किसी मतलब उसमें नहीं है। ये मतलब इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मेरे ख्याल में, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि इस पानी का इखराज कहाँ किया जाए, पानी को भेजा कहाँ जाए। सपोज एक इलाके के अंदर अगर हम बड़े हेवी पंप्स लगा देते हैं लेकिन ये पानी निकल के जाएगा कहाँ? बिल्कुल उसके आसपास सारा जो मैंने बताया जैसे चारों तरफ बकौल आपके पानी ही पानी है तो उस पानी को पानी में ही डाला जा सकता है, कोई खुश जगह तो हमारे पास है नहीं जहां इसको डाला जाए। सर एक बड़ी अहम बात आपने की फसलों की फसलें यानी कि तैयार फसलें भी और वो जमीनें जो हमारी फसलें पैदा करने था जिन्होंने आगे, सिंध एक जरई सूबा है और बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करता है पूरे मुल्क की, ये डूब गया और फसलें तबाह बर्बाद हुई। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसी कॉज की वजह से खुराक की किल्लत ना सिर्फ ये कि सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पैदा होने वाली है? बहुत शदीद किस्म की, देखें खजूर की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, चावल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, कपास जिसे हम फुट्टी कहते हैं उसकी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उसमें से कुछ भी नहीं बाकी बचा। इसी तरह हो सकता है अगर ये पानी टाइम पे जो है नहीं उतरता तो आगे जो गंदम की फसल आने वाली है वो भी शायद मुतासर हो इससे, और इस साल शायद जो है वो भी जो है या तो बिल्कुल ही ना हो, और अगर हो तो फिर वो खातिर ख्वाह जो है वो रिजल्ट ना आ सके उससे।
तो इस वक्त जो है यकीनी तौर पर आप देख लें कि पूरा एक साल तो जो है वो हम पीछे चले गए, उसके बाद जमीन पर इसके कितने असरात रहते हैं, कितने अरसे तक रहते हैं, ये जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। सर आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि उस वक्त इस वक्त आप जरूरत क्या महसूस कर रही है वहां के आवाम के लिए कि ऐसा क्या बंदोबस्त किया जाए। कहा यह जा रहा है कि कुक्ड फूड जो है वो खाने पीने की तैयार चीजें भेजी जाएं, क्योंकि वहां तो उनके पास ना लकड़ी है ना आग जलाने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त है कि वहां खुद लोग यहाँ से राशन भेज रहे हैं, लेकिन राशन को वहां तैयार करना क्या पॉसिबल होगा या कुछ तैयार चीजें नहीं है मुमकिन। देखें इसमें एक चीज जो है वो ये है कि हम जो जहाँ नीचे है ना, अगर पका पकाया खाना भी आ रहा है तो उसकी भी क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो रही, कोई देखने वाला कोई उस पर पूछने वाला नहीं है, और उसमें हम लोगों का कसूर है जो निचला तबका है जिनसे हम पकवा रहे हैं जिनसे बनवा रहे हैं। गवर्नमेंट अगर वो 13,000 रुपए या 12,000 रुपए दे के फराम कर रही है तो उसके अंदर वो जो क्वालिटी दी जा रही है वो 5,000-6,000 रुपए वाली या 3,000 रुपए वाली क्वालिटी दी जा रही है, यकीनन आप लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब इस वक्त कुछ ऐसा किया जाए, मैंने कहा कि पानी सबसे अहम जरूरत है, साफ पीने का पानी ताकि ये बीमारियों से बचें, दूसरा कुछ ऐसी खुश्क चीजें इन तक पहुंचाई जाएं ताकि ये लोग जो है अगर कभी वक्त पर नहीं पहुंचता पका पकाया खाना तो ये अपना गुजारा कर सकें। सर एक 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 बड़ा अलमिया, ये इंसानी अलमिया जो सैलाब की सूरत में और इंसानी जानों की सूरत में और फसलों और जानवरों की मवेशियों की तबाही की सूरत में हमारे सामने आया, लेकिन एक तबका और भी है जो इन्हीं चीजों से फायदा भी उठा रहा है, वो है हमारा हमारा ताजिर तबका कि वो खेमा जो 7,000 का हुआ करता था वो अब 12,000 का हो गया है, खजूर के रेट बढ़ गए, खुश्क चने का जिक्र आया तो उसके रेट बढ़ गए, वो मार्केट से गायब हो गया। आप समझते हैं कि ऐसे अलमियात में ऐसे हादसात और वाकयात में भी कुछ लोग जो है वो ताजिर और तिजारत बनकर काम करते हैं। इस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है और दुआएं की जा सकती है इन लोगों के लिए। यहाँ पर जो छत पे डालने के लिए या ये जो झुग्गियों वाले बैठे हैं बेचारे, ये अपने आप को जो है इस बारिश के तेज पानी से तेज लहरों से बचाए, तेज बारिश से बचाने के लिए जब प्लास्टिक ऊपर डालते हैं, ये प्लास्टिक ढूंढे नहीं मिल रही, धक्के मिल रहे हैं लोगों को, और अगर मिल रही है तो इतनी महंगी है कि वो इनकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। तो अब इस पर सिवाय हम लोग अफसोस के सिवाय मातम के कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर SDM मुख्तार कास और ये जो ऑफिशियल्स हैं ये थोड़ी देर के लिए मार्केट में आते हैं, उस वक्त सब कुछ सही हो जाता है, जब जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाती सर, है। NGOs की क्या एक्टिवनेस देख रहे हैं जो दूसरे शहरों से लोग कराची से और दीगर बड़े शहरों से मूव हो रहे हैं कि इंटीरियर सिंध में लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए, तो आप समझ रहे हैं कि ये खातिर ख्वाह हो रही है या इसमें मजीद तेजी की जरूरत है? मजीद बहुत तेजी की जरूरत है, ये अभी जो है वो जरूरत से बहुत कम है जरूरत से, बहुत ज्यादा आना चाहिए और सही चैनल पर आना चाहिए। मैं ये कहूंगा के आ भी रहा है तो वो सही चैनल सर, या तो एक ही जगह पे बार बार रिपीट हो रहा है और कहीं पर कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। एग्जैक्टली तो इसको जो है वो कनेक्ट करने की जरूरत है, मजबूत तौर पर करने की जरूरत है। अच्छा एक और अहम सवाल जो अब मीडिया चैनल्स पे भी उठाया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जब ये अलमिया जन्म ले रहा था, मुकम्मल तौर पर इतना डूबा नहीं थे हमारा मुल्क, तब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उस पर सियासत खेला जा रहा था, उन्होंने इसका इदराक नहीं किया कि ये कहां तक जाएगा ताकि कम से कम अवामी तौर पर ही इसको आगाही मिल जाती, लेकिन जब ये डिजास्टर इस हद तक हो गया जिसे कहते हैं कि पानी सर से ऊंचा हो गया, तब हमारी आंख खुली। आप इससे एग्री करते हैं? ये इस अलमिया से बड़ा अलमिया है और अगर इसको वक्त पर मीडिया हाईलाइट कर देता तो शायद इसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे होते, बहुत बेहतर होते, कम अज कम जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वक्त पर जाग जाते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा आलमिया है कि अब जब चिड़िया चुग गई खेत, उस वक्त जो है वो हमारा नेशनल मीडिया जागा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब भी उनकी पहली तरजीह यही है कि कौन लड़ रहा है, कौन केला खा रहा है और कौन वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा तफसील भी नहीं कहना चाह रहा। अच्छा बशीर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ इस नशिस्त का कि क्या आपको ऑन ग्राउंड अब नो से चुड़िया चुग गई खेत, पानी सर से ऊंचा हो गया, फिर हम जाग रहे हैं, लेकिन क्या अब आपको हुकूमती मशीनरी या हुकूमती सतह पर जिनका ये काम था रोकना, वो रोक तो नहीं पाया, लेकिन क्या अब वो ऑन ग्राउंड आपको उस एक्टिवनेस के साथ नजर आ रहे हैं या मजीद उसमें बेहतरी की गुंजाइश है? उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है उसमें,
एक्टिव तो हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कहा ना कि इस वक्त इसको कनेक्टेड करने की, या तो एक ही जगह पर सारी चीजें जा रही हैं, इसी जगह पे दो दो दफा, तीन तीन दफा, चार चार दफा रिपीट हो रही है वही चीज, और इसमें हमारे पब्लिक को भी थोड़ा सा जो है वो अवेयर होने की जरूरत है कि भाई अगर मुझे एक चीज मिल चुकी तो फिर मेरे पास जब दोबारा आ रही है तो मैं उसको अपने दूसरे जो है जरूरतमंद तक बढ़ा दूं। ये तो हमारे अंदर पैसे कौम जज्बा होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जो है इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये चीजें रिपीट ना हो, मुस्तहिक तक पहुंचे। बहुत कुछ मेरे ख्याल में निकल रहा है, हमारे सामने बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वो सही मुस्तहिक तक पहुंचना ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इस पर तवज्जो की जरूरत है जी बशीर साहब। मैं एक बार और आखिर में करना चाहूंगा कि यहाँ पे हकीकी तौर पर जब भी इस किस्म के डिजास्टर और आफात होती हैं, पाक अफवाज और पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो हमेशा अपना कुलीदी किरदार अदा करती है, और इस बार भी कराची में डीजी रेंजर्स बहुत ही एक्टिव हैं। कल भी यहाँ पे बहुत सारे एनजीओस की मीटिंग्स हुई हैं, तजारती तंजीमों, ताजी तंजीमों को बुलाया गया कि किस तरह से हम खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो बिल्कुल हमारे साथ साथ हैं, सिंध रेंजर्स और पाक अफवाज उसकी मदद कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि इनके इतने एक्टिव होने से शायद बेहतरी आएगी, और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि चैनलाइज भी हो जाए, कोई लूटमार का सिलसिला भी कम रहे, और हकदार और मुस्तहकीन तक वो प्रॉपर इनकी हेल्प हो सके या उनकी मदद पहुंच सके? यकीनन यकीनन इसमें बेहतरी आएगी और बहुत बेहतर तरीके से जो है ये मुस्तहकीन तक पहुंच सके। इसमें मैं एक चीज का इजाफा करूं कि हमारे जो रेंजर्स या आर्मी के पर्सन हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो अपनी तवज्जो सिर्फ शहरी इलाकों तक जो है वो मरकूज न रखें, बल्कि वो जो है देही इलाकों पर भी जो है वहां तक भी जो है इनको अपने दायरेकार को फैलाना चाहिए। जब तक वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि डिजास्टर असल में जो है वो देही इलाकों में पहुंच जाता है, तो जब तक वहां पूरी तवज्जो नहीं देंगे शायद फिर ये जो है वो इसका इतना असर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर जना साहब हमारे साथ रहने के लिए, और यकीन तौर पर जरूरत पड़ी तो हम आपसे बात जारी रखेंगे। जज़ाकअल्लाहुम्मा खैर। समाजी कारकुन थे और चेयरमैन थे एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिंध के, और उन्होंने आंखों देखा हाल हमें सिंध से आगाह किया, और ख़ास तौर पे हमारे पाक अफवाज और डीजी रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के अरबाब अख्तियार को ये मशवरा दिया इन्होंने कि कोशिश ये करें कि न सिर्फ ये कि शहरी बल्कि गांव देहात जो तक पहुंचने की कोशिश करें, और प्रॉपर चैनलाइज तरीके से अगर काम होगा, मेरा ख्याल है कि ये पूरी कोशिश करेंगे वो तमाम अहबाब भी, और हमारे इन इदारों के अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट के साथ काम करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपकी इस मेहनत का, आपकी इस तवानाई का, आपके इस पैसे का प्रॉपर और सही हल हो सके। वक्फे की तरफ चलते हैं, और वक्फे के बाद हम कराची से बात करेंगे। हमारी ताजी तंजीमें इस पर बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो उनसे भी बात होगी, हमारे साथ रहिए।